बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो मदरसा फातिमा ज़हरा से ज़रूर मदद ले सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, आप एक दफ़ा रब्ता करते हैं, अगर थोड़ा टाइम या इंतज़ार करना पड़े तो दूसरा मैसेज ज़रूर किया करें। अगर आप कारोबारी बंदिश के लिए या कोई इस मसले के लिए या जादू सफ़ीलम के लिए आए हैं तो आप अपना मसला ज़रूर बयान किया करें। आज का ख़ास अमल, ये अमल वो लोग कर सकते हैं जो चाहते हैं कि बेहिसाब एक तो रिज़्क हो और उनके घर में खैर व बरकत हो, लड़ाई कभी भी ना होती हो और सारे घर वाले जो हैं, जो कारोबार मकसद में बाहर जाते हैं तो सभी माशाल्लाह कमाते हों। एक मरतबा ये अमल ज़रूर करें। अगर आपको इसमें कोई झूठ लगता है या कोई ऐसा तो बनाओ बिल्ला, तो एक दफ़ा आप आजमा कर तो देखें। इंशाल्लाह ताला एक ख़ास अमल अल्लाह होगा। अब याद रखें कि इसको पढ़ना कैसे है। जब इशा की नमाज का वक़्त हो तो सात मरतबा अल्लाह हू का अंदाज में मुक्किल पढ़ें। अल्लाह हू की आवाज़ जब निकले तो आप फौरन सजदे में चले जाएं, अपना मकसद बयान करें, फिर आप सजदे से सर उठाएं, फिर अल्लाह हू पढ़ें, हू को थोड़ा लंबा करें और सजदे में चले जाएं, फिर अपना मकसद बयान करें। सात मरतबा अपने मकसद बयान करना है और दुरूद शरीफ पढ़कर तो फिर आपने अपनी जो दुआ है उसके लिए अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह मेरा ये मकसद पूरा हो जाए। ये वो अमल ख़ास अमल है कि जो जिन लोगों का वीज़ा नहीं लगता, जो बाहर जाना चाहते हैं, जो घरों में परेशान हैं और कारोबारी बंदिश लग गई है या कोई नज़रें बद लग गई है, उन लोगों के लिए अमल ख़ास है। ये जहाँ जिस मकसद के लिए भी अमल किया जाए और नीयत अच्छी हो तो वो इंशाल्लाह 3 से 7 दिन में अपना मकसद पा लेता है, सुबहानअल्लाह। और अगर आपके ऊपर जादू सफ़ी इलम है या बंदिश है या कोई अमल कामयाब नहीं होता तो इस्तखारा ज़रूर करवाएं। मदरसा फातिमा ज़हरा इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैरा।